हे गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और जेडब्ल्यू मेरियट वाले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी जो उसका दूसरा पार्ट है उसका एडिटिंग चालू है, थोड़ा सा रात में ही मैंने कर लिया था। फिर अभी सुबह का अलार्म लगा कर रखा था मैं, सुबह 6:30 बजे का अलार्म बजने के बावजूद भी मैं उठ नहीं पाया। फिर मम्मी ने जैसे तैसे करके उठाया तो 9:30 या 10 बजे करीब मैं सोकर उठा हूं। अभी सीन क्या है कि सबसे पहले मैं जल्दी से कर लेता हूं ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको निपटा देता हूं। वैसे मम्मी आज क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में? आलू पराठा बनाए हैं, चोखा बनाए हैं, बादाम का चटनी है, दही है। तुम खा ली? चलो अच्छा हुआ मम्मी खा ले, मेरा उठने में काफी लेट हो गया। वैसे मम्मी तुम सुबह कितने बजे सोके उठती हो? 5:30 बजे, 6:45 बजे। वैसे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी का चाहे स्कूल हो या ना हो, बाय द वे मम्मी एक स्कूल में काम करती है, तो जो मम्मी का स्कूल का टाइमिंग है वो सुबह 6:00 बजे का है ना मम्मी? मॉर्निंग का है। हाँ मॉर्निंग 6:00 बजे का है। तो मम्मी को स्कूल जाना होता है या फिर नहीं जाना होता है, फिर भी मम्मी सुबह 4:30, 4:30, 5:00 बजे उठी जाती है। मम्मी का ये हैबिट हो गया है। इनफैक्ट हम लोग कोई होटल में भी जाते हैं ना, मम्मी सुबह 4:00 बजे से उठकर मम्मी अपने साथ एक स्पीकर रखे रहती है, उसमें हनुमान चालीसा और क्या लगाती है मम्मी, एक सारा आरती सुनते हैं सुबह सुबह। मम्मी एकदम हल्के साउंड में एकदम आरती चला देती है और सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है वो धुन। सुबह जो होता है ना कान में जाता है ना, मैं नींद में रहता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी का आदत है, मम्मी एकदम सुबह ही उठ जाती है, काश ये हैबिट मेरे में आ जाता है। लेकिन तो अभी मैं अपने वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और मम्मी सत्तू पराठा बनाई है, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा मुझे खाने का, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी हल्का ही चाय बिस्किट खा लिया जाए। और एक चीज है ना, बाहर कंटिन्यू बारिश हुए ही जा रहा है, मतलब ये जो माहौल है ना मेरे को एकदम भी पसंद नहीं है बारिश वाला। वही अभी बारिश हो रहा है ना, तो मैं और मम्मी बात कर रहे हैं कि कल जब हम लोग मैरियट में थे भयानक बारिश हुए जा रहा था, लेकिन रूम के अंदर से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वही मैं मम्मी को बता रहा था, देखो मम्मी जो इस टाइप के एरिया में रहता है ना वही लोग बारिश को इंजॉय करते हैं, नहीं तो हम जैसे लोग तो भाई पानी तो नहीं आ रहा है, देखो देखो वहां पे प्लास्टिक दो नहीं तो भीग जाएगा, और घर के बाहर जाओ तो पूरा कीचड़ एंड पानी। तो बारिश जो है हम लोग जैसे लोगों के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए। बारिश होने से ही हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग भी बारिश को एंजॉय करेंगे जैसे कल कर रहे थे। अभी यहाँ पे एडिटिंग का भी काम चल रहा है और साथ में मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, वही चाय और बिस्किट है, साथ में काजू है और आलमंड्स है। फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और साथ ही मैंने वीडियो भी लाइव कर दिया है। थोड़ा लेट हो गया लेकिन क्या करें, उठाई मैं इतना लेट से। तो अभी देखते हैं, कुछ कमेंट्स आने देते हैं अभी, फिर उसमें से कोई दो अच्छे कमेंट को चूज करूंगा और ये वाले वीडियो में फीचर भी करूंगा। तो देखता हूँ कैसा कमेंट आ रहा है, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। वैसे आप में से काफी लोग बोलते हो कि मोहित आप अपने दीवार पे वॉलपेपर लगा लो जहाँ आप बैठते हो, इससे क्या होता है वीडियो और अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बता दूं जो मेरा दीवार है ना, आपको शायद पता नहीं चलेगा, इस पे मैं कुछ भी चिपका नहीं सकता, कुछ भी मैं चिपकाता हूँ वो निकल आता है। मैंने कोशिश किया, ऐसा बात नहीं है लेकिन नहीं दिखता है ज्यादा देर। और अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो देख लो, ये देखो ये लग गया ना मेरे हाथ में, तो बस यही बात है, तो इधर कुछ चिपकेगा नहीं भाई, इसलिए अभी जो है एडजस्ट कर लो थोड़े दिन और। तो देख लो आज ये होने वाला है मेरा लंच, लंच में है आलू पराठा, साथ में दही, ये आलू का चोखा, बादाम की चटनी, तो बस यही लंच है। मम्मी का वेट कर रहा हूँ, मम्मी भी अपना लेकर आ रही है, तो साथ में ही बैठकर लंच करेंगे। हाँ तो लंच हो गया है हमारा कंप्लीट, मम्मी फर्स्ट क्लास अपना खाना वगैरह खाकर लेट गई है, अपने अब आईपैड में वीडियो सब देखेगी। लंच करते करते मैं काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी सारे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अच्छा लगा कि इतने दिन बाद आप लोगों को मेरा घर के बाहर का व्लॉग देखकर इतना पसंद आ रहा है और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आप लोगों ने दिखाया है दोनों के दोनों वीडियो में, सो थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन हाँ कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे जिसमें लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मोहित जो तुम दिखा रहे हो टॉयलेटरीज लेकर आना ये चोरी है, ये सब नहीं लेना चाहिए, ये वो हेन तेन फलाना ढिमकाना, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे। तो मैं बता दूं ये जो टॉयलेटरी सब होता है ये आपके लिए ही होता है, आपके यूज के लिए ही होता है, और ये सिर्फ मैं नहीं अच्छे अच्छे लोग भी इसको अपने साथ कैरी करते हैं। इनफैक्ट कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में लाइव आकर ये चीज को बोला भी हुआ है कि हाँ जब हम लोग होटल जाते हैं तो ये जो टॉयलेटरी सब है छोटे छोटे बोतल में जो शैम्पू कंडीशनर ये सब रहता है बहुत प्यारा लगता है, वो लोग अपने साथ कैरी भी करते हैं। तो भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कोई चोरी नहीं है। हाँ अगर आप होटल का टाल कोई कटलरीज या फिर कुछ ऐसा सामान ले जाते हो उसको चोरी बोला जाता है और वो गलत चीज है, तो भाई इसमें कोई सोचने वाली और शर्म वाली बात नहीं है, ऐसा सभी करते हैं। लेकिन हाँ कोई वीडियो में दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मेरा ओबराय वाला, तो आप लोग जाके देख लेना, ओबराय वालों ने खुद मुझे अपने सारे टॉयलेटरीज एक बैग में पैक करके दिए थे। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वो ओबराय वाला वीडियो जरूर जाके देखना, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। बाकी ये कमेंट था और एक कमेंट था वही बर्थडे को लेकर कि भाई बर्थडे किसका था, बर्थडे किसका था आपने बताया नहीं, हम लोग आप फैमिली नहीं समझते इसलिए नहीं बताया। भाई बात समझो, जिसका बर्थडे था वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं था कि हाँ उसका ना ही नेम मेंशन हो ना ही वो वीडियो में आए, अगले का भी परमिशन होना चाहिए ना, तभी तो मैं बता पाऊंगा।
गुड इवनिंग। मैं तो भाई दोपहर में सो गया था मस्त एकदम खाना खाकर। बाहर बारिश हुए जा रहा है, इनफैक्ट अभी भी बारिश हुए जा रहा है, कितना जगह तो पानी पूरा भर चुका है। भाई कुछ करने को था नहीं तो नींद काफी अच्छा है इसलिए सो गया। अभी टाइम देख लो 7:30 बजने वाला है और अभी सो के उठा हूँ मैं। मम्मी अभी चाय बनाकर भी रेडी कर दी है तो चाय भी पीता हूँ, साथ में आप लोगों के लास्ट वाले वीडियो का कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, कुछ अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। सॉरी मम्मी ने चाय नहीं कॉफी बनाया है, चलो ये भी चलेगा। आज का दिन तो मम्मी सारा वैसे भी बर्बाद ही हो गया, बारिश हुए जा रहा है पूरा। लूडो हो जाए क्या? चलो खेलो। चलो बहुत दिन हो गया लूडो खेले हुए, आज मम्मी के साथ खेलते हैं लूडो। चलो ठीक है, अगर तुम जीत गई ना तो अपने साइड से तुमको हम पास्ता बना के खिलाएंगे। ठीक है चलो, मेरा और मम्मी का मैच स्टार्ट होने जा रहा है। मेरा ब्लू है, मम्मी का ग्रीन है। आज वापस से मैं जीत गया, बट कोई नहीं, पास्ता मुझे भी खाने का मन है इसलिए पास्ता बना ही देंगे, कोई बात नहीं है। चलो अब पास्ता बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब इसको कट कर लेता हूँ पहले। फाइनली मैंने ये वेजिटेबल सब कट कर लिया है, जल्दी से अपना पास्ता बना लेता हूँ उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। और प्याज काटने में देख लो आंखों का बैंड बच जाता है भाई। चलो कोई नहीं, मुंह को अच्छे से धो लेता हूँ उसके बाद पास्ता बनाता हूँ मैं। फाइनली मेरा पास्ता बनकर हो गया है रेडी। अभी मैं अपना पास्ता खाऊंगा और साथ ही मेरा जो लास्ट दो वीडियो था ना वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफी लोगों का कमेंट आया है कि मोहित भाई आपका जो दो लास्ट वीडियो है उनका एडिटिंग बहुत अच्छा लगा है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या वीडियो में मैंने अच्छा किया है। और ये मम्मी का पास्ता, मम्मी ने कहा कि मुझे बस थोड़ा सा ही खाना है। चलो अभी अपने पास्ता को कम्प्लीट करता हूँ, साथ में वीडियो भी देखता हूँ। तो मम्मी बताओ पास्ता कैसा बना था? अच्छा बना था भाई, पास्ता अच्छा बनाते हैं हम, ऐसा बात नहीं है। वैसे और बात, जब मैं पास्ता खा रहा था ना तो हम लोग का ट्रैवल प्लान हो रहा था कि जब लॉकडाउन थोड़ा खुलेगा, सब कुछ थोड़ा और नॉर्मल हो जाएगा तो बाहर हम लोग आउट ऑफ स्टेशन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तभी मेरे मन में एक शायरी आया, सोचा आप लोगों को सुना दूं। तो सुनो, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं जाऊंगा रन ऑफ कच्छ, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं जाऊंगा रन ऑफ कच्छ। इसलिए बोलता हूँ सपने देखा करो, सपने होते हैं सच। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये शायरी। वैसे रहा बात डिनर का, तो अब डिनर करने का किसी का भी मन नहीं है क्योंकि इसी से इतना पेट भर गया है। अब देखेंगे रात में हो सके तो एक ग्लास गर्म दूध पी लेंगे, या फिर मम्मी को अगर मन करेगा तो मम्मी कॉफी बना देगी तो वही पी लेंगे। और ये देखते ही देखते रात का 12:30 बज चुका है और आज कुछ करने को था ही नहीं। 12:20 हो रहा है बाय द वे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बाहर बारिश हो रहा था और कुछ भी करने को नहीं था, इसलिए घर पे रह के ही जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया वो आपको कल मिल जाएगा टाइम पे। और कॉफी कैंसिल हो गया इसलिए मैं अभी ये दूध पी रहा हूँ। वैसे चलो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिया होगा तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ना तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और रहा बात मैं अपने सारे फैमिली मेंबर को क्यों नहीं व्लॉग में दिखाता हूँ, क्यों नहीं उनको सामने लेकर आता हूँ। देखो अभी क्या है ना, आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो काफी समझदार हो और काफी सपोर्ट दिखाते हो, काफी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आपके फैमिली मेंबर को लेकर कोई ऐसा कमेंट दिखेगा ना जो आपका सारा मूड खराब कर देगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा अपना टाइम ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन सब चीजों को इग्नोर किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी इन सब चीजों को हैंडल करना सीख जाऊंगा और बहुत जल्द आप लोग मेरे सारे फैमिली मेंबर को मेरे व्लॉग में भी देख पाओगे। तो बस यही बात है, इसलिए मैं काफी सोच समझकर किसी को वीडियो में लाता हूँ और उनके परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलो फाइनली इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मम्मी बाय कर दो। बाय बाय।